नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पारितोष त्रिवेदी आप सभी का इस वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ और आहार से जुड़ी कुछ मिथक की जानकारी लेंगे। डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी भी कुछ जानकारी आज इस वीडियो में हम लेंगे। डायबिटीज़ के रोगियों में अपने खानपान को लेकर बेहद असमंजस रहता है। कई लोगों से कई तरह की सलाह मिलने से यह असमंजस और ज़्यादा बढ़ जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए ज़रूरी है कि वह उचित आहार लेकर अपने रक्त शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में रखे। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसमें आपके आहार का महत्व बेहद ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के कई रोगी केवल सही डाइट प्लान को अपनाकर ही अपने डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं और उन्हें दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायबिटीज़ के रोगियों के आहार को लेकर फैले कुछ मिथक को दूर करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। मिथक एक, मधुमेह के रोगियों को अपने आहार संबंधी बहुत सारे नियम पालने जरूरी है। सच, अगर आपको मधुमेह है तो आपको अपने आहार संबंधी जागरूक होना जरूरी है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिले और दवा के साथ आपके रक्त शर्करा की मात्रा दिन भर नियंत्रण में रहे। शायद आपके आहार को इतने भी ज़्यादा बंधन की ज़रूरत नहीं कि खाना खाने से भी आपको डर लगने लगे। मिथक दो, मैं जो चाहे वह खा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने मधुमेह की दवा मात्रा को बढ़ाकर अपनी रक्त शर्करा नियंत्रण में रख सकता हूँ। सच, आप अपनी बढ़ी हुई रक्त शर्करा की मात्रा को दवा से नियंत्रित कर सकते हैं, पर दवा की मात्रा सिर्फ एक डॉक्टर को ही ठहराना चाहिए। ज़रूरत से अधिक आहार और दवा की मात्रा आपके शरीर को क्षति पहुँचा सकती है। डॉक्टर की सलाह बिना अपनी दवा की मात्रा नहीं बढ़ाना चाहिए और आहार मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मिथक तीन, मधुमेह के रोगियों को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहिए। सच, किसी भी समतोल आहार में कार्बोहाइड्रेट्स का होना बेहद ज़रूरी है। यह सच है कि कार्बोहाइड्रेट से रक्त शर्करा मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए इसे मर्यादित मात्रा में ही खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थ में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होने से ऐसे साबुत अनाज की ब्रेड, फल और सब्जी जैसे आहार अवश्य लेना चाहिए। मिथक चार, मधुमेह के रोगियों को कार्बोहाइड्रेट्स की जगह प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। सच है, कार्बोहाइड्रेट से अधिक शर्करा मिलने से मधुमेह के रोगी प्रोटीन अधिक मात्रा में लेने की सोचते हैं। अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने से भी शरीर को क्षति पहुंच सकती है और ज़्यादातर प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि मांसाहार में अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट होने से हृदय रोग होने का खतरा भी होता है। मधुमेह के रोगियों ने अपने डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ यानी डाइटिशियन की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में योग्य समतोल रखने के लिए आहार योजना यानी डाइट प्लान करना चाहिए। मिथक पाँच, आपको मधुमेह है इसका मतलब आप मीठा नहीं खा सकते हैं। सच, कई लोगों की धारणा है कि डायबिटीज़ होने का मतलब अब आप कभी मीठा नहीं खा सकते हैं। अमेरिका के मधुमेह विशेषज्ञ संस्था के अनुसार आप कभी कभी अल्प प्रमाण में अपने रक्त शर्करा को नियंत्रण में रखते हुए मीठा खा सकते हैं। याद रहे कि मधुमेह के रोगियों के लिए नियमित मीठा खाना जहर के समान होता है। अगर आपकी रक्त शर्करा नियंत्रण में है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार अल्प प्रमाण में कभी कभी मीठा खा सकते हैं, परंतु मीठा लेते वक्त आपको अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमाण को नियंत्रण में रखना चाहिए।
मिथक 6, मधुमेह के रोगियों को सिर्फ मीठा कम करना है, नमक नहीं। सच, ज़्यादातर मधुमेह के रोगियों को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है या होने की अधिक आशंका होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के रोगी मीठी चीज़ों के साथ नमक का सेवन भी कम करें। अचार, पापड़, चिप्स, नमकीन बिस्कुट और तैयार खाना जैसी ज़्यादा नमक युक्त चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है। मिथक 7, मधुमेह के रोगियों ने अधिक मात्रा में फलों का जूस बनाकर पीना चाहिए। सच, ज़्यादातर मधुमेह के रोगी फलों को खाने के बजाय उनका जूस पीना पसंद करते हैं। फलों के जूस से ज़्यादा सीधे फल खाना ज़्यादा गुणकारी होता है। फलों का जूस पीने से रक्त शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ती है और फलों में मौजूद फाइबर और विटामिन्स का प्रमाण कम हो जाता है। मिथक 8, डायबिटीज़ के रोगी रोज़ाना खानपान में आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं। सच, मधुमेह के रोगियों को आर्टिफिशियल स्वीटनर का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार अल्प प्रमाण में ही करें। अधिक प्रमाण में इनका उपयोग नुकसानदेह हो सकता है। डायबिटीज़ में जितना महत्व दवा का है, उससे भी ज़्यादा महत्व आप क्या आहार ले रहे हैं इस बात का है। डायबिटीज़ से जुड़े हमारे सभी हिंदी लेख के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, यह सभी लेख अवश्य पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य हेल्थ से जुड़े उपयोगी वीडियो आगे भी देखने के लिए कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपयोगी लेख सरल हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए हमारी हिंदी वेबसाइट www.nirogikaya.com पर अवश्य विजिट करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।